आप बोलो जवान दिलों की धड़कन, ओहो आवाज की मलिका, आए हाय रिंचेक जी, आए हाय, आए हाय, आविष्कार हुआ आविष्कार। अरे भागो मत, अरे भागो मत। अभी हाल फिलहाल में ही सीपीडी करके एक चैनल है, वहां से हमें रिक्वेस्ट आई थी, हम लोग अभी यहां पर आ गए। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। हाउ आर यू एवरीबॉडी, दिस इज विशाल द वे। अभी फिर से मैं रेडी होके निकल रहा हूँ अपने कॉलेज के लिए। वैसे भी मैं लेट हो गया हूँ, 9:30 से ज्यादा हो चुके हैं, यानी कि पहला लेक्चर जो है वो मेरा मिस हो चुका है। सेकंड लेक्चर से मैं बैठूंगा। मेरे को मैसेज आ गया है दोस्तों का कि भाई तू अभी तक क्यों नहीं आया है, खासकर जील मैडम का। तो अभी अपन चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है आज कॉलेज में, ठीक है। यूनिवर्सिटी के अंदर मैं पहुंच चुका हूँ। केम छो मासी? हारू है बराबर। मासी बहुत काम करे जी, मासी थी बात करवाओ पर मजा आई जाए। यहीं पर वो मासी काम करती है लेकिन मजा आ जाता है उनसे बात करके। भाई साहब अभी यहाँ पर थोड़ा नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं। वैसे तो मैं अक्सर क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे ही पहुंचता हूँ वैसे ही मैं चला जाता हूँ क्लासेस पे लेक्चर को अटेंड करने के लिए। बट द थिंग इज कि आज मैं लेट हो चुका हूँ और पहला ही लेक्चर निकले सर का है 9:30 का और अभी बच चुके हैं 10, यानी कि मैं आधा घंटा लेट हूँ। तो भैया मैं पहले ही आधा घंटे लेट हूँ, ऊपर से मैं जाऊंगा और सिर्फ 20 मिनट बैठ के अटेंडेंस ले लूंगा तो सर तो ऑब्वियसली गुस्सा होंगे ना भाई। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं यार, इससे अच्छे काम करते हैं, पर थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं 20 मिनट तक बैठ के, उसके बाद जाएंगे अपने दूसरे लेक्चर को अटेंड करने के लिए। हमारी चाय और उसके साथ पोहा आ चुका है। भैया कैसे हो? मजे में। भैया ने हमको पोहा दिया है पोहे के साथ चाय, तो अभी मैं इसको ग्रांड कर लूँ। ओके ओके, तो अभी अपन इसको लेके जाएंगे और इसको आराम से खाएंगे, उसके बाद सेकंड लेक्चर को अटेंड करने के लिए भी जाना है। तो अभी मैं वहां पर बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा था। अभी बज चुके हैं भाई साहब 10:30 के करीब टाइम हो रहा है, ठीक है। तो 10:30 के टाइम में हाय रिया जी, हेलो हेलो, कैसे हो? ईशा जी और चिंतन भाई कैसे हो? बढ़िया। ईशा जी क्यों छुप रही है? ईशा जी, ओ ईशा जी छुपने का नहीं, ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी, अरे ईशा जी पब्लिक को देखने का है आपको। हाय हाय, इनको भी ब्रेकफास्ट करने देते हैं, वहाँ पर पीछे भी वो लोग मस्तियाँ कर रहे हैं, चलो उनसे भी मिलते हैं। ओए बूटा गोरीरा जी जनाब, क्या हाल चाल सर? बस बढ़िया सर, कैसे हो शैली जी? एकदम बढ़िया। इनको तो हम भूल ही नहीं सकते, चलो छोड़ो। गजब बेइज्जती है। कैसे जी जानता है? आप जवान दिलों की धड़कन, ओहो आवाज की मलिका, आए हाय रिंचेक जी, आए हाय, आए हाय, आविष्कार हुआ आविष्कार। इसका मीम बनेगा। को नहीं, हाँ देवी टॉक्स को सब्सक्राइब करना था। अरे अरे बाप रे, चलो कोई नहीं, मेरे को भी दो। हाँ एक मिनट मैंने किया, दिलों का शूटर है भाई, रुक जा माला, एक मिनट रुक जा, चलते जा। मैंने बोला अगर इनको देखना है, अगर इनसे मोहब्बत है तो देवी टॉक्स को सब्सक्राइब कर लो। एक बंदा इतना दिल पे ले गया, वो इसके चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है। अरे क्या बात है, क्या बात, कितनी खूबसूरत है। माइकल जैक्सन माने, ये माइकल जैक्सन नहीं है, ये माइकल लाल जैकिसन है। माइकल लाल जैकिसन उधर कैसे करता है? कितनी मधुरता से, कितनी लचक के साथ अपनी अपनी गर्दन हिलाई जा रही है। स्ट्रिंग छटक गई है भोले से चेहरे के पीछे। कंटेंट के लिए मेरे पास क्या क्या करवा रहे हैं? ओह आइडिया किसका था? ये गलत बात है, ये गलत बात है जील मैडम। ठीक है अभी खाने तो भूख लगा है। खाओ खाओ, चलो ठीक है, बड़े दीवाने यहाँ पर लोग रतलामी सेव के, ठीक है बढ़िया है, खाओ खाओ। अरे नहीं यार, प्रॉब्लम होगा बस, बहुत प्रॉब्लम होता है। हाँ अच्छा, चलो ठीक है, इनको अभी मजा करने दो, इनको मजा करने दो, अभी सेकंड लेक्चर हमारा है नहीं, तीसरा लेक्चर डायरेक्टली अटेंड करने के लिए जाना पड़ेगा। अभी थर्ड लेक्चर में हम लोग आए हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। ये वही जगह है जहाँ पर हमने प्रैक्टिकल किया था। अगर वो वाला व्लॉग आपने नहीं देखा है तो चैनल पे वो वाला व्लॉग भी आपको मिल जाएगा जहाँ पर हमने इसी जगह पे प्रैक्टिकल किया था। आज दूसरा प्रैक्टिकल करने के लिए आए हैं। अभी देखते हैं कि मैम यहाँ पर हमें कौन सा प्रैक्टिकल करवाती है। देखो इधर सभी लोग नीचे बैठ रहे हैं, अभी यहाँ पर हमारा प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा, काफी मजा आने वाला है इस प्रैक्टिकल में। हमको भी पर बैठना पड़ेगा भाई, वरना मैडम अटेंडेंस नहीं देगी। तो जल्दी से बैठ जाते हैं और प्रैक्टिकल अटेंड करते हैं, मजा आ जाएगा। नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो वो पूछ रहे थे क्या हुआ, तो मैंने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, आ जाओ। वहां से ऐसा घूम के ऐसा आना पड़ता है, वो बाघ बकरी दिख रहा है ना, वहां पर मैंने व्लॉग बनाया, आप सभी लोग देख सकते हो, चैनल पर मिल जाएगा। अभी 1:15 हो रहे हैं और 1:15 को आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारा लंच ओवर हो जाता है। और भाई कैसा है? हाय बढ़िया। ये अपने मनन भाई है, मनन में थोड़ा सा बोल दो यार कुछ, दो शब्द आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। अरे बिल्कुल बिल्कुल, ये रोज हमको कैंटीन में मिलते हैं और ये भी सब्सक्राइबर ही है। थैंक यू सो मच ब्रदर, सी यू ब्रो। ओके सी यू सी यू। हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जो कि 1:15 को है, तो उस लेक्चर को अटेंड करने के लिए अपन को जाना पड़ेगा भाई। उस लेक्चर के बाद कोई लेक्चर नहीं है, उसके बाद आराम से मजे करेंगे। One eternity later. भाई भाई वो बाइक वाला, वो बाइक वाला करो ना। चलो ये चलो
अबे अरे जाना किधर है, अरे भागो मत, अरे भागो मत, अरे अरे भागो मत। तो ये लोग चले गए हैं हमें बीच रास्ते छोड़ के, और ये हम पता नहीं कोई सुनसान सड़कों पे भटक रहे हैं। सारथी हॉस्पिटल के पास आ गए। ए, हॉस्टल है वो। बताओ इतना चलिए, आंखें धुंधला गई है हमारी, आंखें धुंधला गई है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है। ढूंढो ढूंढो। तो अभी हाल फिलहाल में ही CPD करके एक YouTube चैनल है, वहाँ से हमें रिक्वेस्ट आई थी कि आप पारुल यूनिवर्सिटी के होम्योपैथी एंड आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कॉलेज है उसके पास ईश्वरपुरा विलेज है, वहाँ पर एक टपरी है, एक ढाबा है जिसे सरपंच की टपरी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर आइए और वहाँ पर अपने ग्रुप के साथ आके एक व्लॉग बनाइए। तो हम लोग अभी यहाँ पर आ गए हैं, देख रहे हो आप, ये सरपंच की टपरी है। CPD जी, आपका चैलेंज यहाँ पर हमने पूरा कर दिया है, ठीक है। अभी हमारा ग्रुप अंदर बैठा हुआ है तो उनसे भी मैं आपको मिलाऊंगा, और ये है उनका कमेंट जो उन्होंने कमेंट किया था, ये देखो यहाँ पर आपको कमेंट दिख जाएगा। ये जो चैलेंज इन्होंने दिया था वो हम अभी पूरा करने जा रहे हैं। इन्होंने इसे संबोधित किया है बेस्ट बंक कैपिटल ऑफ पारुल, यानी कि जो भी बंक मारता है वो यहाँ पर आके चाय वाय पीता है, बेस्ट बंक कैपिटल ऑफ पारुल। एंड एक और चीज़ के पास ना एक आपको लेक मिलेगा, एक तालाब मिलेगा, वो तालाब भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो जो तालाब है उसको उन्होंने संज्ञा दी है मिनी सुर सागर, सो मिनी सुर सागर ऑफ पारुलियंस। यहाँ पर अभी हम लोग आ गए हैं, अभी देखते हैं अंदर, मजा करेंगे, पूरा ग्रुप है भाई, और जानते हो विशाल दवे का ग्रुप है, मतलब मजा तो होना ही होना है। तो यहाँ पर हमारा ग्रुप आ चुका है और सबके साथ बैठे हैं। शैली जी हाय, हमने काफी मेहनत की है, काफी स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल किया हमने, सजेशंस के मुताबिक यहाँ से भजिया खाएंगे और मस्त गर्मा गर्म चाय पियेंगे, और तालाब की वाइब्स तो है ही है। आपके कहने पे इतने धूप में हम चल के आए उधर से, अब आपको थैंक यू भी कहेंगे क्योंकि ये वाकई में काफी अच्छी जगह है, काफी अच्छी जगह है। यहाँ पर कार्तिक भाई भी हैं। कार्तिक भाई कैसा लग रहा है, अजीब ही ख्यालात में खो गए हो यार, मिनी सुर सागर ऑफ पारुलियंस। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जगह, काफी ऑसम जगह। जस्ट हमारे मुँह में थोड़ा पानी आ गया, गंदे पर पीना तो पी ले भाई, बता कब से घूम फिर रहे, तेरा ही तेरी बहन होगी, मेले की फीमेल है, चलो ठीक है, इनकी नोक झोंक तो यहाँ पर चलती रहेगी। अभी हम लोग चाय पियेंगे और भजिया भी खाएंगे, बिल्कुल ऑफ कैमरा मार दीजिए, मार दी, मार 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 मार, एक तो शॉट लगा दे, ये पड़ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ये देखो ये सुंदर सा लेक, लेक में अभी हम लोग आए हैं, चलो भजिया वजिया कुछ खाते हैं भाई। CPD जी थैंक यू सो मच फॉर रिकमेंडिंग अस दिस अमेजिंग प्लेस। अभी यहाँ पर कॉलेज बंद होने का समय हो चुका है, अभी हमने फैसला किया कि चलो अभी हम घर चलते हैं, क्योंकि शॉर्ट फिल्म की भी एडिटिंग करनी है और इस वीडियो की भी एडिटिंग करनी है ताकि आप सभी लोगों तक कंटेंट पहुंच जाए। और शॉर्ट फिल्म तो भाई साहब मजा आ जाने वाला है, क्योंकि हम सभी लोगों ने मिलकर काम किया है, आपको तो मजा आएगा, क्योंकि आप सभी लोगों को इस ग्रुप को देखने में मजा आता है, विशाल दवे को देखने में मजा आता ही है, लेकिन विशाल दवे के साथ आपको ग्रुप को भी हमारे देखने में मजा आता है। अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, लाइक का बटन दब जाना चाहिए, कॉमेंट करके जाना कैसा लगा वीडियो, इसी के साथ जमे रहिए, बने रहिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, विशाल दवे को विदा दीजिए, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कल के व्लॉग में फिर से आप सभी लोगों से मुलाकात हो जाएगी, चलो।